स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ आर थर्ड वीडियो एंड द लास्ट वीडियो फॉर टुडे। अब हमारा जो लास्ट कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास बचा है वो है एरियोलर टिश्यू। एज डिस्कस्ड अर्लियर, एरियोलर टिश्यू इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, मतलब इसके जो सेल्स होंगे ये भी काफ़ी दूर दूर होंगे। अगर आप देखो इसके जो टिश्यू के जो सेल्स हैं वो दूर दूर तो है, प्लस इसके जो फाइबर्स हैं वो एक स्पाइडर के नेटवर्क जैसा मेशवर्क तैयार कर रहा है, विच इज़ ड्यू टू द डिफरेंट फाइबर्स ऑफ कोलाजन, इलास्टिक टिश्यू एंड रेटिकुलर फाइबर्स, जो कि मैट्रिक्स से ही बनता है। ये जो मेशवर्क है, अगर इसको आप डायग्रामेटिक फॉर्म में देखते हो, माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हो, तो आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। दिस ऑल्सो कंटेन्स मैक्रोफेजेस। आपको याद है मैक्रोफेजेस हमने कहाँ पढ़े थे? मैक्रोफेजेस हमने पढ़े थे जब हमने WBC वाइट ब्लड सेल के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे। वेन वी हैड अ टॉक अबाउट मोनोसाइट्स, अ टाइप ऑफ ए ग्रेन्यूलोसाइट इन द केस ऑफ WBC, सम ऑफ द मोनोसाइट यूज टू डिफरेंशिएट टू फॉर्म सच मैक्रोफेजेस विच विल बी बेसिकली यूटिलाइज फॉर द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। तो ये जो एरियोलर टिश्यू है, ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, बेसिकली क्या करता है? इट इज़ गोइंग टू फिल द गैप बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स एंड सपोर्ट देम। तो बेसिकली गैप फिलिंग के लिए काम है, पैकेजिंग के लिए काम है। जैसे प्लांट से पेरेन्काइमा टिश्यू का काम होता है, कुछ उसी तरीके से ये भी पैकेजिंग में हेल्प कर रहा है, गैप को फिल कर रहा है। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन एंड अराउंड द म्यूकस मेम्ब्रेन, अराउंड ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। आगे देखते हैं इसके बारे में। अगर इसके फंक्शन के बारे में हम बात करें तो इट एक्ट्स बेसिकली एज अ बाइंडिंग टिश्यू, जो कि स्किन को मसल्स के साथ बाइंड कर रहा है, ब्लड वेसल को नर्व के साथ बाइंड कर रहा है और डिफरेंट हीलिंग में हेल्प करेगा। सो इट इज़ द मेन फंक्शन विल बी, इट एक्ट्स एज अ बाइंडिंग टिश्यू, इट बाइंड्स द स्किन्स एंड ऑल। और क्या किस चीज़ में हेल्प कर रहा है? वुंड के हीलिंग में भी हेल्प करेगा, फंक्शन ऑफ एरियोलर टिश्यू में। फाइनली अगर हम इस पूरे लूज कनेक्टिव टिश्यू को समराइज फॉर्म में देखें तो डिस्क्रिप्शन आप में आप क्या लिखेंगे? इसका जो मैट्रिक्स है जेल लाइक है, जिसमें जो मैट्रिक्स में फाइबर्स, डिफरेंट फाइबर्स आर फॉर्मिंग अ मेशवर्क एंड इट इज़ हैविंग सर्टेन सेल्स। एलॉन्ग विद दैट मैक्रोफेजेस आर ऑल्सो प्रेजेंट, मैस्ट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। मैक्रोफेजेस का बेसिक काम होता है इम्यूनिटी का। मैस्ट सेल्स हेल्प अ लॉट इन प्रोवाइडिंग एलर्जी, एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है बॉडी में। एंड सम ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। इसका फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन द रैपिंग एंड कुशनिंग ऑफ द ऑर्गन्स। इसके जो मैक्रोफेजेस है वो फैगोसाइटोसिस करते हैं बैक्टीरिया का। फैगोसाइटोसिस मतलब उसे इनगल्फ करके, बैक्टीरिया को इनगल्फ करके ख़त्म कर सकते हैं, हटा सकते हैं बॉडी से। ये बॉडी में इस मैस्ट सेल की वजह से एलर्जिक रिएक्शन भी शो कर सकता है, जिसमें इन्फ्लेमेशन होगा, जिसमें काफ़ी सारा टिश्यू फ्लूइड भर जाता है और जिसमें WBC काम कर सकता है। एज पर द लोकेशन इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर द एपिथीलियल ऑफ द बॉडी। बेसिक पैकेजिंग करता है ऑर्गन्स के अराउंड और कैपिलरीज को चारों तरफ से कवर करता है। फाइनली अगर हमें डिफरेंस के फॉर्म में इसे देखना है तो एडिपोज टिश्यू का लोकेशन डीप टू द स्किन है, बहुत डीपली अराउंड द ऑर्गन्स है। एरियोलर थोड़ा सा सरफेस लेयर पे प्रेजेंट होता है। अगर एडिपोज की बात करें तो ये फैट्स, ऑयल को स्टोर करेगा, तो एनर्जी स्टोर कर रहा है। यहाँ पे ये पैडिंग में और नेटवर्किंग में, हीलिंग में, इन सब चीज़ों में, बाइंडिंग में काम कर रहा है। डायग्राम देखेंगे तो अगर एडिपोज टिश्यू के सेल देखोगे, द फाइबर्स कैन नॉट बी सीन एज अ मेशवर्क, बल्कि फैट के ऑयल ड्रॉपलेट्स दिखेंगे और न्यूक्लियस बिल्कुल पेरीफेरी की तरफ नज़र आएंगे। जब आप एरियोलर टिश्यू को देखोगे तो आपको एक जाल जैसा दिखेगा, मेशवर्क जैसा दिखेगा, जिसके चारों तरफ स्कैटर्ड है डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, मैक्रोफेजेस एंड मैस्ट सेल्स। सो इन टूडेज क्लास वी हैव एंडेड ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। प्लीज़ लुक इन टू द PPT, अंडरस्टैंड इट फ्रॉम देयर, नो नीड ऑफ राइटिंग एनीथिंग फ्रॉम देयर। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको होमवर्क प्रोवाइड करूँगी और इसी टॉपिक से हम रिलेट करेंगे उसे। थैंक यू।